नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर कुशल होंगे। आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि। आज मैं आपको व्यंजन संधि के विषय में समझाऊंगी। व्यंजन सबको पता है कि संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आपने अच्छी तरह से समझना है। यह जो विषय मैं आज आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ही आवश्यक है। जो भी संस्कृत पढ़ता है, चाहे वह धार्मिक कार्य में संस्कृत पढ़ता है, तो उसके लिए भी यह अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, तभी कोई भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं धार्मिक कार्य में, तभी उसका फायदा होता है। यदि हमारा उच्चारण गलत होगा तो उस मंत्र का जो प्रभाव होगा वह अच्छी तरह से नहीं होगा। तो आज मैं आपको समझाऊंगी व्यंजन संधि का चौथा नियम, अनुस्वार संधि। पिछली वीडियो में मैंने व्यंजन संधि के 3 नियम समझा दिए हैं। आज का हमारा नियम है अनुस्वार संधि। इसका सूत्रम है मो अनुस्वार। इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। यदि शब्द के अंत में, यदि कोई भी शब्द है उसके अंत में म हो और उसके बाद व्यंजन हो, तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब आप सोचते होंगे कि अनुस्वार क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनुस्वार। ये जो आप, मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई हुई है, इसको अनुस्वार कहते हैं संस्कृत में। ध्यान से देख लीजिए, अनुस्वार इस तरह से लिखा होगा, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको पढ़ते माँ है संस्कृत में। जब मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छी तरह से समझाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण है हरीम जमा वंदे, हरीम जमा वंदे। अब देखिए यहाँ पे माँ है, माँ के बाद में जो वह है वह व्यंजन है। व्यंजन की जानकारी सभी विद्यार्थियों को होगी, तो ये व है। तो ऊपर मैंने समझाया कि यदि म के बाद व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हरीम जमा वंदे, हरीम को अनुस्वार हो गया, हरीम के म को यहाँ पे अनुस्वार का चिन्ह मैंने लिखा हुआ है, तो संधि बन गई हरीम वंदे। लेकिन क्या होता है कि जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वह हरी वंदे पढ़ते हैं, हरी वंदे, लेकिन इस माँ को नहीं पढ़ते हैं। तो इस नियम को अच्छी तरह से समझें। यहाँ भी होगा हरीम वंदे, जब विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं तब भी इस तरह के शब्द आते हैं, तो विद्यार्थी यहाँ जो म है इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको सबने पढ़ना है, हरीम वंदे। दूसरा उदाहरण है पुस्तकम पट्टी, पुस्तकम पट्टी। तो यहाँ पे देखेंगे कि म के बाद प व्यंजन है। तो देखिए म के बाद प व्यंजन है, तो मैंने बताया कि म को अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पुस्तकम पट्टी। तो आज के बाद कोई भी विद्यार्थी पुस्तक पट्टी नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ेंगे? पुस्तकम पठती। क्या पढ़ेंगे? पुस्तकम पठती। मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे देखिए साधनम जमा अस्ति। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो अ है वह स्वर है, व्यंजन नहीं है। फिर देख लीजिए साधनम जमा अस्ति, तो यहाँ पे म के बाद स्वर है। यदि म के बाद स्वर हो तो म को अनुस्वार नहीं होता है। साधनम
इसको इसी तरह लिखेंगे साधनम अस्ति। इस विषय को आप सभी अच्छी तरह से समझें। यदि आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया, तथा अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी कि आपको क्या समझ नहीं आया, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।